राजकुंद्रा मामले में हो रही है राजकुंद्रा के खिलाफ कई बड़े खुलासे, जहां पर राजकुंद्रा के खिलाफ कई बड़े सबूत लग चुके हैं क्राइम ब्रांच के हाथ, तो वहीं अब कई सारे लोग आ रहे हैं गवाही देने राजकुंद्रा के खिलाफ। जी हां, आप सभी को बता दें कि राजकुंद्रा से जुड़े कई सच्चाई अब सामने आ चुकी है। कुछ हद तक तो ये साबित भी हो चुका है कि राजकुंद्रा पूरी तरह से इस अश्लील मामले में शामिल था, क्योंकि अब राजकुंद्रा से जुड़े सबूत और गवाही पेश करने वाले लोग इस मामले में हो चुके हैं पेश। लेकिन ऐसे में एक मर्डर सामने आई थी जिसने इस बात का दावा किया था कि राजकुंद्रा जब भी अश्लील फिल्म शूट करवाता था तो नई मॉडल्स जो आती थी वेब सीरीज को शूट करने के लिए, तो उनके साथ पहले ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें पहले ड्रग्स दिया जाता था और उसके बाद उनके साथ शूट किया जाता था अश्लील फिल्म। जी हाँ, ड्रग्स का भी कनेक्शन अब राजकुंद्रा से जुड़ा सामने आ रहा है। और ऐसे में अब खबर आ रही है कि अगर ड्रग्स का कनेक्शन राजकुंद्रा मामले पर सामने आया है तो ये ड्रग्स आखिर राजकुंद्रा किससे, कहां और कैसे लेता था, और कौन राजकुंद्रा तक ड्रग्स को ना पहुंचाता था, और राजकुंद्रा लड़कियों को ड्रग्स कैसे देता था और कैसे उनसे फिल्म शूट करवाता था, और राजकुंद्रा का अगर ड्रग कनेक्शन सामने आया है तो अब इसमें सुशांत सिंह राजपूत मामले पर जांच कर रही एनसीबी टीम ले सकती है बड़ा एक्शन, और होगा अब ईडी और क्राइम ब्रांच के बाद राजकुंद्रा के इस मामले पर भी एनसीबी की धमाकेदार एंट्री, जो लेगी ड्रग्स मामले पर कड़ी जांच। नेक्स्ट एलएच रश्मि रिपोर्ट।